बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास सिक्स सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। आज हमने इसके फोर्थ जो क्वेश्चन है उसके पार्ट्स करने हैं। एक्सटेंड योर थिंकिंग, चार क्वेश्चन यहाँ पे हैं और तीन क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट पेज पे दिए हुए हैं। टोटल यानी 7 क्वेश्चन हैं जो एक्सटेंड योर थिंकिंग या उसे आप कह सकते हैं जो आपने खुद से आंसर देने हैं। इसको वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वाला जो है वो है, इज अ शाइनी मेटल प्लेट ऑल्सो सेट टू बी अ मिरर। क्या चमकदार जो धाती सतह होती है उसको शीशा कह सकते हैं? यस, जी हाँ, बिकॉज इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स लाइट लाइक मिरर। क्योंकि इससे जिस तरह शीशे से रिफ्लेक्शन होती है वैसे ही लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। बहुत सिंपल आंसर है। नेक्स्ट है जी, हाउ डज द सर्फेस ऑफ अ स्टिल लाइट स्टिल पोन और पडल बिहेव वेन लाइट फॉल्स ऑन इट। जो तालाब या जोहर होती है उसकी जो साकिन सतह है जो मूव नहीं कर रही होती वो किस तरह बिहेव करती है जब लाइट उसके ऊपर पड़ती है? तो इसका अगर आप आंसर देखें तो ये है, वेन लाइट फॉल्स ऑन अ स्टिल पोन और पडल देन देयर विल बी अ फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट साकिन तालाब या जोहर पर पड़ती है तो फिर रोशनी का इनेकास यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो फिनोमेना होता है वो होता है। थर्ड है जी, हाउ कैन द साइंटिस्ट सी द डिटेल्स ऑफ मून। जो साइंटिस्ट हैं वो मून की डिटेल किस तरह मालूम कर सकते हैं या करते हैं? तो वो किस तरह करते हैं? वो बाय रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। वो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप से उसकी डिटेल जो है वो मालूम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है जी फोर्थ, वाइट सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट दैट स्ट्राइक्स ऑन देम। जो सफ़ेद सतह होती है जब उस पर रोशनी पड़ती है तो वो उसको रिफ्लेक्ट करती है। वाई आर पीपल यूज टू वेयर डार्क कलर ड्रेसेज इन विंटर। तो लोग सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसका आंसर जी बहुत सिंपल है, बिकॉज डार्क कलर एब्जॉर्ब लाइट मोर एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। जो डार्क कलर्स होते हैं वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं बनिस्बत उसके रिफ्लेक्शन के। इन दिस वे ड्रेसेस रिमेन वार्म एंड बॉडी ऑल्सो रिमेन वार्म। इस तरह जो है वो जो कपड़े पहने होते हैं जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं डार्क कलर की वो भी गर्म रहते हैं और जो इंसान का जिस्म है वो भी इससे गर्म रहता है। अच्छा जी, फोर्थ जो क्वेश्चन है हो गया। अब फिफ्थ वाला जो है, अगर आप देखें एक नज़र, फिफ्थ वाला है जी, कैन यू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड अपराइट इमेज फ्रॉम अ कनकेव मिरर। आप कनकेव मिरर से एक वर्चुअल इमेज जो है मजाजी इमेज जो है वो ले सकते हैं और अपराइट सीधा। ओके, जो इमेज बनता है वो हमेशा उल्टा और हकीकी होता है। तो आप सीधा और मजाजी इमेज ले सकते हैं। ड्रॉ अ रे डायग्राम, आपने एक रे डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब इसके लिए जो इसका आंसर है वो अगर आप देखें तो पेज नंबर ये देखें, यहाँ पे इसका आंसर जो है वो दिया हुआ है, ये पेज नंबर 108 पे। ये इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, सिर्फ मैं वी पार्ट कर रही हूँ क्योंकि आपने डायग्राम करना है। ये आपने पढ़ना ज़रूर है लेकिन आपने ड्रॉ सिर्फ डायग्राम करनी है तो सिर्फ हम डायग्राम को ही करते हैं। इसको एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू द कनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कनकेव मिरर के करीब होगा, द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर, तो इमेज जो है वो शीशे के पीछे बनेगा मिरर के। इट इज़ वर्चुअल अपराइट एंड बिगर इन साइज। ये देख लें, आप अगर डायग्राम भी दोनों देखें तो एक्चुअल इमेज होता है वो उल्टा होता है और छोटा होता है, और उल्टा छोटा और रियल होता है। अगर आप देखें हम ऑब्जेक्ट को बहुत करीब रखें लेंस मिरर के तो एक तो सीधा बनेगा, वर्चुअल होगा और ये साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ये डायग्राम इसमें आएगी। ठीक है, ये देखें, ये एक लाइन टकराती है और फिर ये इसमें से गुजर जाती है और दूसरी लाइन जो होती है वो प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। तो ये इसको बैक पे लेके जाते हैं तो ये एक इमेज बन जाता है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। अच्छा जी, इसको हम मैं एक दफ़ा ड्रॉ करके भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमारा जो है ये मिरर है, ये है जी कनकेव मिरर और
ये है जी इसका प्रिंसिपल फोकस, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में है। ये देखें, अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसमें से एक रे जो हमने देखी हुई, मतलब जो हमें पता है वो स्ट्राइक करती है और ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है। जो दूसरी रे है वो इस पॉइंट में से, जिसे पोल कहते हैं, उसमें से गुजरती है, यानी कि आप इसको सेंटर कह सकते हैं। जो लेंस का सॉरी मिरर का जो सेंटर है उसमें से गुजरती है। एक रे तो हमारे से टकराती है इससे और ये प्रिंसिपल फोकस में से गुजर जाती है। जाहिर है मैं अब स्केल से नहीं बना रही, थोड़ी सी जो है वो रफ सी बन रही है। देखें ये देखें, और दूसरी जो रे है वो ये देखें इसमें से गुजरती है। अब रे की जो है जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, ये पोल में से गुजर जाती है। अब पोल में से मतलब गुजरती है और ये ऐसे हो गई, ठीक, एक फोकस में से गुजरती, एक ये पोल में से गुजरती है, यानी सेंटर से टकराती है, जिसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। एक सीधी टकराती है, एक प्रिंसिपल फोकस में से गुजरती है। और ये देखें, अब जब हम इसको बैक पे लेके जाते हैं तो ये देखें, ये एक इमेज बनता है जो कि उससे क्या कहते हैं उसकी दूसरी तरफ है उसके मिरर के, और अपराइट है, सीधा है और साइज में भी भरा है और वर्चुअल है। ये डायग्राम है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। हमारा जो था फिफ्थ क्वेश्चन भी हो गया, उसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। सिक्स आप देखें जी, कैन अ प्लेन मिरर एवर प्रोड्यूस अ रियल इमेज। जो शीशा होता है वो उसने कहा है प्लेन मिरर वो कभी भी रियल इमेज बना सकता है, उसकी वजाहत करें। नो, अ प्लेन मिरर नेवर प्रोड्यूस अ रियल इमेज। एक प्लेन मिरर जो है वो कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता, ये हमेशा वर्चुअल बनाता है। इट ओनली प्रोड्यूस वर्चुअल और अपराइट। जब भी कभी वर्चुअल इमेज होगा वो हमेशा अपराइट होगा, सीधा होगा। अभी हमने जैसा डायग्राम में देखा था, ये देखें, और जो ये ठीक है, और जो या आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, ये जो रियल होता है वो उल्टा इन्वर्टेड और जो वर्चुअल होता है वो हमेशा अपराइट होता है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो लास्ट जो क्वेश्चन है, दैट इज इफ यू लुक डायरेक्टली एट अ हाईवे इट लुक्स ब्लैक। अगर आप बिल्कुल मतलब बाहर रास्त देखें किसी भी सड़क को, तो शाहरा को, तो ये काली नजर आती है। इफ आवर यू लुक एट इट एट एन एंगल, और अगर आप इसे किसी एंगल से देखें किसी जाविये से, इट लुक शाइनी, तो ये चमकदार नजर आती है। वाई डज इट लुक सो, तो ऐसा क्यों होता है। इट लुक्स ब्लैक ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज, अब उसने कहा है कि ये ब्लैक क्यों नजर आती है, रोशनी के इरेगुलर बेकायदा इनकास की वजह से। वी लुक डायरेक्टली क्योंकि हम ऊपर से देखते हैं या बराह रास्त देखते हैं, बट इट लुक शाइनी ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब ये चमकदार नजर आती है रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से, बिकॉज वी लुक एट हाईवे एट सम एंगल, क्योंकि हम हाईवे पे किसी एंगल से देखते हैं, यानी कि जो हमारा देखने का तरीका होता है उसमें मतलब उसको तिरछा करके देखते हैं थोड़ा सा, तो एंगल की वजह से रिफ्लेक्शन में फ़र्क आता है। और अगर आप डायरेक्ट देखें तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, और अगर आप इनडायरेक्टली देखें या ड्यू टू सम एंगल या एट सम एंगल देखें तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। इसके साथ ही हमारे जो क्रिएटिव जो आंसर थे या जो क्रिएटिव थी, जिसे हम कहते हैं क्या कहते हैं इसको, एक्सटेंड योर थिंकिंग, इसके साथ के साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं।